हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी क्रिएशंस। सो आज बैचलर्स चिकन बनाना मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो भी राइस कुकर में। नॉर्मली राइस कुकर में राइस बनता है, मतलब तो आज चिकन बनाने वाले हैं। बैचलर्स इजी से बना सकते हैं। तो एक्चुअली ये चिकन में थोड़ा सा नमक और मिर्ची डाला हुआ है, लेकिन अभी का प्रोसीजर अभी स्टार्ट होगा, आप कंटिन्यू देखिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कोई मेरा फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे आप सपोर्ट कीजिए। हेयर्स रिलेटेड वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए मैं व्लॉग्स और ये कुकिंग रिलेटेड वीडियोस ही बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर कोऑपरेट कीजिए और कंटिन्यू वॉच कीजिएगा वीडियो को और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए ऑयल ऐड कर रहे हैं इसमें, और फाइनली चिकन कौन बना रहा है मैं आपको एंडिंग में दिखाई दूँगी, आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। और इसमें अभी दही ऐड कर रहे हैं, कर्ड। और ये देखिएगा अभी चिल्ली पाउडर ऐड कर रहे हैं, 2 स्पून ऐड किया हुआ है, और ये 3 स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था। और ये हम साउथ इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं, इसके लिए हमारे साउथ में बहुत ही स्पाइसी खाया जाता है और चिकन नॉनवेज जो है उसका स्पाइसी में ही अच्छा लगता है, तो इसके लिए। और अभी सॉल्ट ऐड किया जा रहा है, देखिएगा। और आप आसानी से घर में राइस कुकर बना सकते हो, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है, जो घर छोड़ के बाहर रह के काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रहे हैं। और मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रही हूँ उनको, वो खुद से ही बना रहे हैं, तो फाइनली टेस्ट करके आपको बता देंगे। देखिए ऐसे अभी टर्मरिक हल्दी भी ऐड किया हुआ है, जिसको हाथों से अच्छे से शायद मिक्स करने वाला है। देखिए अच्छे से, आप हाथों से प्यार से मिक्स करोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और मोस्ट ऑफ बैचलर स्पून ऐड यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे हाथ से मिक्स करने का उसका अलग ही टेस्ट रहता है। ऐसे थोड़ी देर के लिए आपको मैरिनेट करना रहेगा। एक्चुअली ये 1 kg चिकन है, 1 kg चिकन के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स लगे उतने उन्होंने डाला हुआ है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स कर दिया है उन्होंने, और थोड़ी देर के लिए मैरिनेट, थोड़ी देर मतलब 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करना रहेगा, तो इसको मैरिनेट के लिए रख दिया है। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कोऑपरेट कीजिए, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वॉच कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली चिकन में सब ऑयल वगैरह, ये राइस कुकर का बटन ऑन किया है, ऊपर प्लग में भी ऑन किया हुआ है, और साथ में देखिए यहाँ पे एक भी बटन है साथ में, इसको ऑन करना है। तो अभी हीटिंग के लिए स्टार्ट हो गया है, अभी इसके अंदर ऑयल ऐड कर रहे हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, चिकन मैरिनेट करते हुए भी थोड़ा सा डाला हुआ था ऑयल, तो उस हिसाब से आपको, और थोड़ा ऑयल गर्म होने के लिए थोड़ा वेट करना रहेगा। तो अभी मिर्ची कट किया हुआ है वो ऐड कर रहे हैं, और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा वेट कीजिएगा हो जाएगा। और वीडियो को स्किप मत कीजिए, ज़रूर वीडियो पूरा एंडिंग तक देखिएगा। सो ऑनियन ऐड कर रहे, देखिए स्मॉल पीसेस में कट किया हुआ है ऑनियन को,
सो देखिए ऑनियन ऐड किया है, उसको अच्छे से रेड कलर होने तक आपको फ्राई करना रहेगा। थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आपको ऐसे ढक्कन रख देना है। तो थोड़ा सा जीरा ऐड कर रहे हैं फ्लेवर के लिए, ऐसे मीटिंग गया था ने ब्राउन होने तक। सो टर्मरिक ब्राउन होने के लिए आ रहा है। सो देखो अभी मैरिनेट किया हुआ चिकन को ऐड कर रहे। सो फ्रेंड्स ये फैंटास्टिक चिकन बनेगा, बैचलर्स के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, तो आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कैसा बना आपका चिकन। ऐसे करके थोड़ा सा हिला दीजिएगा। सेकंड यहाँ पे लाइट नहीं है, फैन ले बार चाय भी करने होंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप क्लोज कर लीजिए, सो मैरिनेट किया हुए जो बाउल रहता है ना उसमें इसका आपको थोड़ा सा ऐसे पानी ऐड कर निकाल के क्लीन करके और इसमें डाल देना रहेगा। तो देखिए ऐसे करके आपको ऐड कर लीजिएगा और ढक्कन रख के पका लीजिए पूरा पकने तक। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ओके गरम मसाला जो घर में बनाया हुआ है, तो आप देखे रहेंगे ऑयल में कुछ हक्का मसाला ऐड नहीं किया था।